हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर डिस्कशन कर रहे थे अबाउट डी ब्रोगली कंसेप्ट। डी ब्रोगली कंसेप्ट को हमने स्टडी किया था और उससे रिगार्डिंग हमारे पास जो रिलेशन था टू फाइंड द वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए जो रिलेशन था हमने वो भी डिराइव किया था, जो कि किसके इक्वल था, देखिए, इट वॉज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ये हमने डेरिवेशन किया था। लैम्डा क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ, विच इज नोन एज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बी इज द वेलोसिटी। ठीक है, एम यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं आप तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अदरवाइज और कोई ऑब्जेक्ट आपका। वी मीन्स क्या था? वेलोसिटी। और एच की वैल्यू यहाँ पे फिक्स होती है, कॉन्स्टेंट होती है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, विच इज इक्वल टू 6.62 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उस कंसेप्ट में हमें ये बात अच्छे से समझनी है कि जो हमारा डी ब्रोगली कंसेप्ट है, इट डू नॉट हैव दिस कंसेप्ट do not have any significance, this concept do not have any significance in our daily life. हमारी डेली लाइफ के अंदर इस कंसेप्ट की कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखिए, क्योंकि डेली लाइफ के अंदर हम डील करते हैं जनरली विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स के साथ हम डील करते हैं? वी डील विद मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मींस जितना लार्ज साइज है। ठीक है, लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट्स के साथ हम क्या करते हैं? डील करते हैं। लेकिन तो फिर क्या किया गया? देखो, इसी बात को प्रूव करने के लिए कि क्या ये हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेबल है या इसकी कोई सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं है, इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया, उसमें एक बॉल को कंसिडर किया गया। ठीक है, क्या किया? एक बॉल को कंसिडर किया गया जिसका ऑब्वियसली मास होगा कुछ ना कुछ। इसका मास कितना था? 0.1 किलोग्राम। 0.1 किलोग्राम उस बॉल का मास था और उसकी वेलोसिटी थी 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीन्स आपको दे दिया गया कि एक बॉल है जिसका मास 0.1 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड है। तो ये डाटा अगर हमें गिवन है, सो वी कैन फाइंड आउट हियर लैम्डा। वेवलेंथ हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। एच इज 6.62 × 10⁻³ अपॉन एम। एम का मतलब मास, जो कि आपको गिवन है 0.1 किलोग्राम, एंड बी इज वेलोसिटी। कितनी गिवन है आपको यहाँ पे? देखिए, 60 गिवन है। तो जब इसको सोल्व किया गया तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वेवलेंथ मिली 10⁻³ मीटर। ये बॉल क्या है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? लार्ज साइज पार्टिकल है, तो इट इज अ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। क्या है? बोले मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स के साथ, मीन्स मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ ही हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं? डील करते हैं। तो एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है जिसके लिए वेलोसिटी आई 10⁻³ मीटर, बट इट इज वेरी स्मॉल। ये जो वैल्यू है, ये तो आपको यहां से पता चल रहा है कि कितनी छोटी सी वैल्यू है वेवलेंथ की, जिसको आप कंप्लीटली ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हैं। इसे रिलेटेड आप कुछ ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे तो फिर गड़बड़ हो गई। आप इस तरह से वेवलेंथ को जब अज्यूम ही नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स इस कंसेप्ट का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, किस लिए इस कंसेप्ट का यूज हुआ है? वेवलेंथ फाइंड करने के लिए तो हुआ है, और वेवलेंथ ही आप यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ तो डील नहीं कर रहा है। फिर देखा गया नेक्स्ट किस केस में? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में। ठीक है, किस केस में देखा गया? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में। और वहां पे क्या लिया गया? एक इलेक्ट्रॉन लिया गया मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दोनों की क्या रखी? सेम रखी गई, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका जो मास होता है वो आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³⁻³ ये क्या होता है? मास होता है इलेक्ट्रॉन का। अब इसको देखो, इसके लिए लैम्डा फाइंड कीजिए। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू फिक्स, 6.62 × 10⁻³⁴ अपॉन एम, यानी 9.1 × 10⁻³⁹ इंटू वी, यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड गिवन थी। इसको जब फाइंड किया तो वेवलेंथ है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁵ मीटर। और ये वेवलेंथ इस वेवलेंथ के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है और ऑब्जर्वेबल है। ऑब्जर्वेबल मीन इससे रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, बेसिकली जिस टाइम
टाइप के ऑब्जेक्ट्स के साथ हम अपनी डेली लाइफ में डील करते हैं, अगर हम उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो इस कंसेप्ट की कोई सिग्निफिकेंस हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि देखिए वेलोसिटी कितनी स्मॉल है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं। और अगर हम क्या ले रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो उनके केसेस में इट इज ऑब्जर्वेबल, हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं इजिली। तो इससे देखा गया कि जो डी ब्रोगली कंसेप्ट है इट हैज नो सिग्निफिकेंस, इट डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ, बिकॉज इन डेली लाइफ We deal with the macroscopic objects and macroscopic object का case अगर consider कर रहे हैं तो इसकी wavelength तो इतनी ज्यादा छोटी आ रही है जिसको हम ऑब्जर्व कर ही नहीं पाते। तो इसलिए इस चीज को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि जो डीप ब्रोगली कंसेप्ट है उसका हमारी डेली लाइफ के अंदर कोई यूज क्यों नहीं होता है, ठीक है, या उसकी कोई सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है, तो ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने आपको देखिए क्या बताया था कि जो हमारा डी ब्रोगली कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट भी एक्चुअल में क्या कर रहा है, वेलोसिटी वेवलेंथ तो फाइंड कर रहा है, जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, हमने डिराइव भी किया था ये फॉर्मूला लास्ट वीडियो में, विच इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका डेरिवेशन भी हो जाता है। साथ ही में ये कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं इस चीज को बताता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब हर टाइप के जो पार्टिकल्स हैं, तो उसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी आ रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का भी क्या है, ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब मैंने आपको बताया दो टाइप की नेचर को शो करना, कौन से दो टाइप की नेचर यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, हमारे पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का भी क्या है, दो टाइप की नेचर होती है, वो भी वेव नेचर शो करता है और इलेक्ट्रॉन नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो इसको प्रूव करने के लिए अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है, तो अब हम उन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स फॉर ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट किए गए हमें वो स्टडी यहाँ पे करनी है, ठीक है। जो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं वो पढ़ेंगे वेव नेचर, कि किस तरह से पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर होता है, या जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर को शो करेगा या एग्जिबिट करेगा। तो हम सबसे पहले वेव नेचर को स्टडी करते हैं। वेव नेचर को स्टडी करने के लिए बेसिकली टू एक्सपेरिमेंट्स को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था दैट वॉज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। 1927 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था डेविसन और जर्मर ने। इन्होंने क्या किया, क्योंकि हमें यहाँ पे ड्यूअल नेचर प्रूव करना है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इन्होंने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ली। क्या ली इन्होंने, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम ली, एक रे ली उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की, और उसको फॉल करवाया ऑन ए क्रिस्टल, और ये जो क्रिस्टल है वो किसका बना हुआ है, निकेल क्रिस्टल, ठीक है। डेविसन एंड जर्मन ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या लिया है, इन्होंने निकेल क्रिस्टल के ऊपर एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाया है। इलेक्ट्रॉन्स क्यों ले रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रूव हियर द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सपेरिमेंट किसको लेके करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ही लेना है। इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिए, बीम ली इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की, एक रे ली इलेक्ट्रॉन की, और उसको फॉल करा दिया किसके ऊपर, निकेल क्रिस्टल पे। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है। अब कुछ ना कुछ यहां से रिफ्लेक्शन भी होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे में, रिफ्लेक्टेड रे पे क्या ऑब्जर्व किया गया, यहां पे लगी हुई थी एक फोटोग्राफिक प्लेट। क्या लगी थी यहां पे, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई थी। तो उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या ऑब्जर्व किया गया, डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया गया, वही डिफ्रेक्शन पैटर्न जो आप लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। एक्चुअल में वो डिफ्रेक्शन पैटर्न यहाँ पे होता क्या है, कंसेंट्रिक रिंग्स मिलती है। कंसेंट्रिक रिंग्स का मतलब ये एक सर्कल, दूसरा, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, मीन्स एक दूसरे के अंदर सर्कल्स का प्रेजेंट होना, रिंग्स का प्रेजेंट होना, मीन्स कंसेंट्रिक रिंग्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो फिनोमिना ऑब्जर्व किया गया एक्चुअल में वो ये वाला फिनोमिना था, और ये फिनोमिना सेम वैसा ही है, मतलब ऐसी ऑब्जर्वेशन आपको एक बार और भी मिली थी, और ऐसी ऑब्जर्वेशन और कहां पे मिलती है, एक्स रेज के केस में। जिस तरह से अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बीम को फॉल करा रहे हैं, और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे जो ऑब्जर्व किया गया, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको डिफ्रेक्शन पैटर्न मिला इस तरह की, कंसेंट्रिक सर्कल्स या कंसेंट्रिक रिंग्स आपको मिली, ठीक है। और यही कंसेंट्रिक रिंग्स या कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको कब मिलते हैं, अगर आप यहाँ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह एक्सरे को फॉल करवाएंगे। अब एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो हैं,
having wave nature also. तो जब एक्सरेज इस तरह का फिनोमिना शो कर रही हैं और उसको हम क्या बोलते हैं कि वो भी वेव नेचर एग्जिबिट करती हैं, तो सिमिलरली तो यहाँ पे केस किसने शो किया है? इलेक्ट्रॉन्स ने. इट मीन्स यहाँ पे प्रूव हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या कर रहे हैं, वो वेव नेचर शो कर रहे हैं. वेव नेचर के केस में इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग्स या फिर कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको मिल रहे हैं. तो डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट ये था बेसिकली, जो कि कंडक्ट किया गया था 1927 में. ठीक है, अब इसके साथ ही एक और एक्सपेरिमेंट भी किया गया. उस एक्सपेरिमेंट से भी पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या है, वेव नेचर होता है. मतलब इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट तो ये था जो अभी मैंने आपको बताया, डेविसन जर्मर ने किया था. एक और एक्सपेरिमेंट भी किया गया था इसके बाद, जिसको बोला जाता है थॉमसन एक्सपेरिमेंट. थॉमसन एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जीपी थॉमसन ने किया था. डेविसन जर्मर ने 1927 में किया था, जीपी थॉमसन ने किया था 1928 में. Now look here, the second experiment which is Thomson's experiment which was performed by G.P. Thomson. किसने किया था experiment? G.P. Thomson ने किया था. कब किया था? 1928 में. पहला Davison and Germer ने जो experiment किया वो 1927 में था, और Thomson ने जो experiment किया वो कब था? 1928 में था. इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही लिया, यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है कोई, ठीक है, वो सोर्स जहां से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब उसमें से उस सोर्स में से इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकलनी शुरू हुई, ये क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था याद करो, वहां हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाया था किस पे, निकल क्रिस्टल पे. यहां पे उन्होंने निकल क्रिस्टल को रिप्लेस कर दिया किससे, थिन गोल्ड फॉइल. ठीक है, उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल से रिप्लेस कर दिया निकेल क्रिस्टल को. और उसके बाद जो पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, सपोज इट इज आवर फोटोग्राफिक प्लेट, तो यहाँ पे भी जो पैटर्न ऑब्जर्व किया गया, सोचो वो पैटर्न कौन सा था, वो पैटर्न वही था आपका डिफ्रेक्शन पैटर्न, जहां पे कंसेंट्रिक रिंग्स या कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्मेशन हुई थी. तो चाहे आप यहाँ पे निकल क्रिस्टल ले रहे हैं जैसा कि डेविसन एंड जर्मर ने लिया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, चाहे आप यहाँ पे उस क्रिस्टल को रिप्लेस करा रहे हैं बाय थिन गोल्ड फॉयल, जो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट क्या है, आपको वही डिफ्रेक्शन पैटर्न मिल रहा है, मीन्स वही आपको कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है. तो इससे क्या पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज हैविंग वेव नेचर. जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, वो वेव नेचर को एग्जिबिट कर रहा है. तो दो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े यहाँ से, जिससे क्या पता चला, जिससे इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में पता चला. अब देखिए ड्यूअल नेचर हमें प्रूव करनी है, तो वेव नेचर तो पता चल गई. अब अगर वेव नेचर पता चल गई तो ड्यूअल नेचर मतलब हमें अभी पार्टिकल नेचर को और पता लगाना है. ठीक है, अभी हमने क्या पता लगा लिया, अभी हमने ये पता लगा लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कैसी नेचर होती है, उसकी वेव नेचर होती है. अभी हमें उसकी सेकेंड नेचर यानी कि उसकी पार्टिकल नेचर का भी पता लगाना है. और पार्टिकल नेचर को पता लगाने के लिए, पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, जो हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग वाले एक्सपेरिमेंट्स से ही पढ़ते आ रहे हैं. हमने डिस्चार्ज ट्यूब स्टडी की, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, वहां भी हमने उस कंसेप्ट का यूज किया जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ. नेक्स्ट हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, उसके अंदर भी वही कंसेप्ट आया था. क्या था वो देखिए, स्किंटिलेशंस. याद आया कुछ, स्किंटिलेशंस, स्किंटिलेशंस की फॉर्मेशन होना. जैसे ही आपके पास कोई भी फोटोग्राफिक प्लेट है, और वो फोटोग्राफिक प्लेट कौन सी थी, एक स्क्रीन थी बेसिकली मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड की क्या थी, स्क्रीन थी. सिंपल सा है कि आप जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लीजिए और अगर उसके ऊपर स्किंटिलेशंस प्रोड्यूस हो रही है कि एक पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक करेगा स्किंटिलेशन हुआ, यहाँ स्ट्राइक किया स्किंटिलेशन हुआ, तो जैसे जैसे स्किंटिलेशन आपको मिल रहे हैं, इट मीन पार्टिकल्स वहां पे क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, और उससे आपको क्या पता चल जाती है, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर. एक बात तो ये हो गई स्किंटिलेशन रिगार्डिंग जिंक सल्फाइड स्क्रीन से जो हम टेस्ट कर रहे हैं. सेकेंड जो है, तो देखिए आपने जो एक्सपेरिमेंट्स पढ़े अभी तक, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला आपने फिनोमिना पढ़ लिया आपने, और क्या पढ़ लिया है आपने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फिनोमिना पढ़ा है. तो ये फिनोमिनाज भी तो क्या प्रूव कर रहे थे, दिस फिनोमिनाज वर प्रूविंग द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह से हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव कर रहे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं या प्रूव कर रहे हैं. इट मीन्स अब ये श्योर हो गया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल नेचर. ड्यूअल नेचर का मतलब पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. की जो इलेक्ट्रॉन है इसका क्या है बच्चों, इसका पार्टिकल नेचर भी है और इसका
वेव नेचर भी है। आई बात समझ में अच्छे से, ठीक है। तो ये डी ब्रोगली कंसेप्ट हमने पढ़ा पहले। डी ब्रोगली कंसेप्ट में वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हैं हमने ये भी देखा। फिर उसके बाद ये भी पता किया हमने कि हमारी डेली लाइफ में इस कंसेप्ट की कोई सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं है। इससे हमें पता चला कि हमारी डेली लाइफ में डी ब्रोगली कंसेप्ट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में बेसिकली डील किससे कर रहे हैं, विद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे ये वाला जो कंसेप्ट है उसकी सिग्निफिकेंस देखी गई है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के केस में। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए, जिसमें फर्स्ट वेव नेचर के केस में हमने दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़े। फर्स्ट वन वाज डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड वन वाज थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, स्किंडिलेशंस का प्रोडक्शन होना जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट रिलेटेड फिनोमेना जो है वो सब क्या करते हैं, वो सब पार्टिकल नेचर को ही शो करते हैं, ठीक है। अब एक तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी, वेवलेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है जिससे हम वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो फॉर्मूला, उससे रिलेटेड भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिर हम एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, ठीक है। तो पहले वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं क्या है। देखो अब हम एक और फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करने जा रहे हैं टू फाइंड आउट द वेवलेंथ, वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए। देखिए क्या है, सपोज ये जो हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ली, दीज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ वी, कैपिटल वी जो है वो हमने क्या ले लिया, उसका पोटेंशियल ले लिया, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल। नाउ वी नो वेरी वेल दैट दिस एनर्जी, पोटेंशियल से रिलेटेड अगर हम एनर्जी फाइंड करना चाहें इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो क्या मिलेगी हमें, ई कैपिटल वी एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। ये सभी वही कंसेप्ट है पीछे जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो हम ये बोलते हैं बेसिकली यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हाफ एमवी स्क्वायर, जिस काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल वी मीन्स पोटेंशियल, जिससे वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो एक्सिलरेट हो रही है, ठीक है। ये उसका क्या है, पोटेंशियल है। तो एनर्जी विल बी इक्वल टू ई वी, ठीक है। तो ये स्मॉल वी तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी, ये मास है इलेक्ट्रॉन का, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, और कैपिटल वी क्या है, पोटेंशियल है। अब फॉर्मूला जो है मेरे पास अभी तक जो मैंने डिराइव किया है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी। अगर मैं लैम्डा फाइंड करना चाह रही हूँ तो मुझे एच चाहिए, एच कॉन्स्टेंट होता है, एम चाहिए, देखो इस फॉर्मूले में भी एम है, वी चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ से, मैं वी की वैल्यू फाइंड करती हूँ और उस वी की वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दूंगी तो क्या मुझे एक और वेवलेंथ का फॉर्मूला नहीं मिल जाएगा, सो सिंपल मिल जाएगा। तो यहां से देखिए मैं इसको बोलूं कि एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ई वी, दोनों वी में डिफ्रेंशिएट करना अच्छे से। स्मॉल वी इज द वेलोसिटी, ये स्मॉल वी क्या है, वेलोसिटी है, और कैपिटल वी क्या है, इट इज पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां से अगर मैं क्या करूंगी, मैं वी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करूंगी तो टू ई वी अपॉन स्मॉल एम, एंड वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू ई कैपिटल वी अपॉन स्मॉल एम। अब मैं क्या करती हूँ, इस वैल्यू को इस रिलेशन में पुट कर देती हूँ, सपोज इट इज माई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एंड इट इज इक्वेशन सेकंड, इस एक्सप्रेशन को मैं नंबर टू दे देती हूँ। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम सेकेंड इन टू फर्स्ट, सेकेंड से वी की वैल्यू मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं फर्स्ट में पुट करने जा रही हूँ, तो देखिए क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, क्या है भी देखो, अंडर रूट ऑफ टू ई कैपिटल वी अपॉन स्मॉल एम, कंप्लीट टर्म में यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये रूट से बाहर है, ये रूट से अंदर है, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, एम की पावर हाफ, इसका मतलब क्या है, एम की पावर वन। सिंप्लीफाई इसको करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एच अपॉन अंडर रूट, ये यहां से इसको कैंसिल कर देगा, अंडर रूट में जाएगा टू ई एम वी, समझो क्या है इसका मतलब। इस एक्सप्रेशन को सपोज मैं से लिख दूं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम की पावर वन, ठीक है, अंडर रूट टू ई वी को लिख दूं एज इट इज, और जब मैं एम को रूट से बाहर निकालूंगी तो ये क्या होगा, एम की पावर हाफ होगा, ठीक है, अपॉन में है, दोनों को मैं सोल्व करूंगी तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, ये हट जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, एम की पावर हाफ, पावर हाफ का मतलब क्या है, अंडर रूट में। तो ये कहां पे चला गया, देखो बेटा अंडर रूट में चला गया, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू ई स्मॉल एम एंड कैपिटल वी। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो एच है दैट इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, टू इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, ई एंड एम आर चार्ज एंड मास ऑन द इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे और ये मास है इलेक्ट्रॉन का, इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कैपिटल वी, इसमें से एच
ई एम और टू ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म्स है। अगर मैं इन सब की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दू विच इज नोन टू मी, जो कि मुझे पता है क्या वैल्यूज हैं, एच इज इक्वल टू होता है 6.62 × 10⁻¹⁴ जूल सेकेंड, ई इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स एंड एम इट इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻¹³ किलोग्राम, क्योंकि मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दी। इन सभी को जब इसमें पुट किया जाता है तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, मगअप करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको इतनी बड़ी सोल्व करना पड़ेगा बार बार, तो आप उसको लर्न कीजिए। 1.226 × 10⁻¹⁹ होती है वो वैल्यू अपॉन रूट वी, वी जो है पोटेंशियल मुझे वहां पे मिलेगा और इसकी यूनिट क्या है वेवलेंथ की मीटर। तो 1.226 × 10⁻¹⁹ अपॉन रूट वी ये मुझे क्या मिल गई, एक और मुझे वैल्यू मिल गई, एक और मुझे फॉर्मूला मिल गया है किसका, वेवलेंथ का। यहां से भी मैं वेवलेंथ फाइंड कर सकती हूँ और जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही माइंड में रखना है, ये सारा कंसेप्ट जो मैंने यहां से स्टार्ट किया है यहां से लेके यहां तक कंप्लीट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए, मे बी वो इस रिलेशन रिगार्डिंग कुछ पूछ लिया जाए, मे बी आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपके माइंड में क्या होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल और करा देती हूँ एक बार, देखो ये न्यूमेरिकल है आपके पास में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, इतना आपको इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 3.0 × 10⁻¹⁵ जूल एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है। अब वेवलेंथ के फॉर्मूले तो आपको मिल गए हैं, एक तो आपके पास है सिंपल सा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एक हमने अभी डिराइव किया जो कि क्या था 1.226 × 10⁻¹⁹ अपॉन रूट कैपिटल वी। तो देखो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, अब वेवलेंथ आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, एच कॉन्स्टेंट होता है, मास आपको गिवन है बट वेलोसिटी भी तो नहीं है ना, तो आप इस रिलेशन का यूज यहाँ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए पोटेंशियल, इसका यूज भी आप नहीं कर सकते, तो फिर आपको करना क्या है, आप देखिए आपको क्या गिवन है उससे रिगार्डिंग आप क्या नया फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पे। तो देखो आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, क्या है इसका सोल्यूशन देखिए, हमें गिवन है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 3.0 × 10⁻¹⁵ जूल, लेकिन हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर। देखो इस फॉर्मूले का यूज तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इधर पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इस फॉर्मूले में मुझे वेलोसिटी पता चल जाए तो वो वेवलेंथ निकल जाएगी इजिली, तो देखो क्या यहाँ से मुझे वेलोसिटी मिल सकती है, मिल सकती है क्योंकि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास मुझे गिवन है, तो क्या हो जाएगा, टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर की बात करूं तो ये एम कहां चला जाएगा उसके अपोन में, एंड वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी अपोन स्मॉल एम। अब इस वेलोसिटी को इसमें पुट कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपोन एम, ये वी रूट टू ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपोन स्मॉल एम, फिर वही वाला केस है यहाँ पे, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एच अपोन ये एम की पावर हाफ, ये एम की पावर वन, सिंप्लीफाई करूंगी तो ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, एम की पावर हाफ यानी कि अंडर रूट में एम, रूट में इसको रख दो एक साथ ही, टू एम काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए क्या आपके पास वैल्यूज नहीं है, हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं लैम्डा, लैम्डा विल बी इक्वल टू 6.62 × 10⁻¹⁴ अपॉन टू, अंडर रूट में है देखिए टू मल्टीप्लाई, मास कितना है 9.1 × 10⁻¹⁹, ठीक है, और साथ में क्या है काइनेटिक एनर्जी वो भी रूट में है, मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी देखो 3.0 × 10⁻¹⁵, सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, वैल्यूज पुट आपने कर दी, इसको सोल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट वेवलेंथ हियर, आपको क्या मिल जाएगी, वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप वेवलेंथ यहाँ पे इजिली फाइंड कर सकते हैं, आपके माइंड में जो काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है या जो डी ब्रोगली कंसेप्ट रिगार्डिंग मैंने आपको फॉर्मूलाज डिराइव कराए हैं वेवलेंथ के, ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, फिर आप इससे रिगार्डिंग कुछ भी न्यूमेरिकल बहुत इजिली कर सकते हैं। अब आपका आज का वर्ग क्या है कि इससे रिगार्डिंग डी ब्रोगली कंसेप्ट से रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है आप उनको सोल्व करके देखेंगे, कंसेप्ट्स को अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको कि क्या है हमारा डी ब्रोगली कंसेप्ट, हमारी डेली लाइफ में इसकी कोई सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं जिससे प्रूव होती है ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ये सिंपल सी लाइन हम बोल देते हैं लेकिन
कौन से कोई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिससे ये सब चीजें प्रूव होती हैं, या आपको अच्छे से समझना है। और काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट जो कि यहाँ पे एक और फॉर्मूला डिराइव कर रहा है, किसका, वेवलेंथ का, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से पढ़ना है और काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड जो भी रिलेशन यहाँ पे है वो सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसको पूछ कर लीजिए अच्छे से, कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट मी, ओके। और इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। कीप लर्निंग। थैंक यू।